सो हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारे गेस्ट है मिस्टर शिवम तिवारी। और आपको पता है दोस्तों, ये मेरे होम टाउन से हैं, गोत्र अलग है, जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो शिवम, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू। सो शिवम, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। वैसे तो मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, और मैं एक एक्टर हूँ। सो रायपुर में भी मैंने काम किया है, और मैंने मुंबई में भी बहुत सारे थिएटर्स ग्रुप के साथ काम किया है, और बहुत सारे प्लेस किए हैं मैंने जी। तो तुमने छत्तीसगढ़ी फिल्में देखी हैं कभी शिवम? हाँ, छैया भुइयां पता है? अरे, अनुज भैया की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। और मतलब वो मेरे फेवरेट एक्टर है, मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है। तो ये हम इंटरव्यू अनुज देखने वाला है जरूर, ऑब्वियस। सो मुझे एक बात बताएं, आपने और कौन कौन सी छत्तीसगढ़ी फिल्में देखी हैं? मैंने ऐसे तो हरजन पगली फर्जा में देखा है, एक मूवी सतीश अंकल की फिल्म है, और वो मेरे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर, मतलब बहुत अच्छे डायरेक्टर ही मेरे फेवरेट हैं। तो हरजन पगली फर्जा में वन ऑफ माय फेवरेट, एंड छैया भुइयां। छैया भुइयां तो अपने आप एक रिमार्केबल फिल्म है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री की। सो छत्तीसगढ़ में आज के डेट में सबसे नंबर वन हीरोइन कौन है अभी के डेट में? अभी बहुत सारे हैं, अनिकृति सिंह चौहान है, और एक यादव करके एक लड़की है, बहुत अच्छा काम कर रही है वो। हाँ। और there are so many girls. हाँ, लड़कियों पे तो नजर रखनी। सो दोस्तों, आज मेरी एक्साइटमेंट आपको मेरे चेहरे पर दिख रहा होगा। मुझे बहुत टाइम बाद मेरे होम टाउन का तिवारी तिवारी और बहुत सारी चीजें, लड़का यार इतना सुंदर लग रहा ना मुझे, मैंने सोचा कि दो चार इंटरव्यू तो मैं इसी के साथ ही कर लूं। ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी शक्ल, इनोसेंट सी शक्ल अच्छी लगती है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा लेकर आऊंगी। सो मुझे बताएं, आप कब से हैं इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में मैं मुंबई में, जब फर्स्ट टाइम मैं मुंबई आया 2019, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे थिएटर किया, मैंने फाइव सेंसेस ग्रुप के साथ काम किया है, एंड मैंने दो प्लेज भी किए हैं, टेडी बियर एंड द पार्क, जिसमें मेरा एक पुलिस वाले का कैरेक्टर था, गाइडोंडे, और उसके बाद फिर मेरी लाइफ कंटिन्यूस चल रही है, अभी भी मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ। सो और आपने और क्या क्या काम किया हमारे दर्शकों को बताएं? मैंने ऐसे तो मैंने थिएटर्स किए हैं, और मैंने एल्बम सॉन्ग्स किए हैं छत्तीसगढ़ी में, मैंने बहुत सारे एल्बम सॉन्ग्स किए हैं, 2 हिंदी सॉन्ग्स भी किए हैं, और एल्बम सॉन्ग्स का जो नाम है वो है दिल के तार और मया के करार। ओके, ये है सुंदरानी प्रोडक्शन में, और एक मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है श्री शिवाय फिल्म्स, या एक उसमें है दिल के तार जो है वो एक मेरे यूट्यूब चैनल में श्री शिवाय फिल्म्स में। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कि यू आर नॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, राइट? सो जब पहली बार आपने डिसाइड किया दैट यू वांट टू बी एन एक्टर, आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? फैमिली वालों का रिएक्शन लाइक ऐसा कुछ नहीं था, डैड वाज लाइक कि बेटा मतलब इंडस्ट्री में जा रहे हो और बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, करोगे, अब जाना है तो जाओ, अदरवाइज जॉब अप कर लो। बट मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब अपने अंदर ही स्ट्रगल किया मैंने, इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं है बिकॉज ये मेरा पैशन है। सो मैंने 2012 में फर्स्ट टाइम मैं मुंबई आया था, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना कुछ नॉलेज रहा नहीं, तो मेरे घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया। देन फिर मैं ग्रेजुएशन करने निकल गया भोपाल, तो मेरी लाइफ बहुत अलग रही है, मतलब लाइफ। आप भोपाल में भी रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं 3 साल भोपाल में रहे। हाँ जी हाँ जी। क्या किया भोपाल में, कहाँ रहे? भोपाल में मैं रहना तो मेरा नरेला में होता था, एंड मैंने वहां से ग्रेजुएशन किया, बीबीए किया मैंने, तो मैंने एनआरआई कॉलेज से बीबीए किया। ओह वाओ, तुम्हें भोपाल की कौन सी चीज बहुत ज्यादा मिस करता? भोपाल की सबसे ज्यादा जो चीज मैं मिस करता हूँ वो है बड़ा तालाब या लेक व्यू। मुझे भोपाल की सबसे ज्यादा कोई चीज याद आती है तो जलेबी पोहे, फिर गांधीनगर में ना कचौड़ियां मिलती थी, क्योंकि मेरी जो कॉलेज थी वो गांधीनगर में थी, ऑल सेंस, और भोपाल का सीधापन, भोपाल में फिर वो जो पता है ज्योति थिएटर के सामने शिजवान राइस, यार आई स्टिल, मतलब मुझे मेरी जुबान में ना उसका स्वाद आ जाता है। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे भोपाल से बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, अनुराग बसु जी भिलाई से हैं, ठीक है, रूमी जाफरी जी भोपाल से हैं, विवेक अग्निहोत्री जो कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं भोपाल से हैं, और जावेद अख्तर जी भी भोपाल से हैं। तो एमपी और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर यहाँ पर हैं, तो आपकी कभी किसी से मुलाकात हुई, बात हुई? हाँ जी हाँ जी, मेरी बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने, तो मेरी मुलाकात हुई है अनुराग सर से, अनुराग बसु। ओ वाह जी, मैं उनके पास काम के पर्पज से ही गया था मिलने, मेरी एक मीटिंग थी, बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी डायरेक्टर से मीटिंग करी मैंने, ही इज सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर आई हैव एवर सीन।
तो इंजीनियर हमेशा टैलेंटेड होते हैं. सो मुझे एक बात बताओ, लाइक यू आर इन दिस इंडस्ट्री सिंस 5 years, आप 18 से 19 से हैं, आप काफी टाइम हो गया आपको, तो आपका बॉम्बे में कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा सब कुछ माहौल? बॉम्बे में तो लाइक एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा रहा है. और शुरू में मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल भी देखा है. सो मैं यहाँ वरसवा गांव में ही रहा करता था. ओके. जी जी हाँ, 3 लड़कियों के साथ रहता था मैं. सच बताओ, सच थे ना इसके? 3 लड़कियों के साथ रहता था मैं. एक छोटा सा 1 RK रूम था. हाँ. एंड उस टाइम पे एक छोटा सा बेड हुआ करता था जिसमें जो मेरे लेग्स होते थे वो बाहर रहते थे. तो ऐसी मेरी लाइफ रही है यहाँ पे मुंबई आने के बाद. पर उसके बाद धीरे धीरे जब सब लोगों से कांटेक्ट हुआ, फ्रेंड्स बने, बहुत ही अच्छा माहौल मिला मुझे यहाँ पे आने के बाद. तो आपने कभी कास्टिंग काउच फेस किया, मतलब कोई फीमेल प्रोड्यूसर या कोई गे प्रोड्यूसर हु हैज अप्रोच्ड यू कि यार मेरे साथ आ जाती लाइफ सेट, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, अभी तक तो फिलहाल मैंने ये सब चीजें फेस नहीं करी है. आगे हो सकता है कि ये चीजें आए, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन हूँ. So how you tackle, like अगर आपको लोगों ने approach किया, आप उन्हें कैसे reciprocate करेंगे? मतलब मेरा answer हमेशा है, मतलब इन सब चीजों के लिए तो no ही होगा, because I don't want to go in this all, yeah, to that extent. So always be no for this. So guys, इसके आगे की जो बातें हैं शिवम के साथ में next episode में होंगी. Till then, bye bye.